कुरान को जलाकर भाग रहा था लेकिन पकड़ा गया। देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुराई करने वालों के साथ बुरा अंजाम होता है, जो आज आप लोगों को वीडियो दिखाकर साबित करूंगा। कुरान को जलाकर भाग रहा था वो बंदा, भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। आप लोगों को पता होगा, शाहजहांपुर के एक मस्जिद के अंदर एक बंदे ने जाकर कुरान को जला डाला था। जलाने के बाद वो फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस वालों को सलाम करना चाहता हूँ, पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पकड़े जाने के बाद सब कुछ सामने आ गया है, नाम ठिकाना पता सब कुछ सामने आ गया है, जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो बंदा कौन है। आज तक अगर आप लोग ये मानते हैं कि जो कुरान को नहीं मानता है, अल्लाह और इस्लाम को नहीं मानता है, वही लोग कुरान पाक को जला सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि पकड़े जाने के बाद नाम जो सामने आया है, अभी वीडियो भी दिखाऊँगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन था, कुरान को मानने वाला था या नहीं था। कुरान को कैसे जलाया, क्यों जलाया, वो बंदा खुद कह रहा है, वो बयान भी आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले मस्जिद के अंदर वाली वीडियो देखिए, किस तरह कुरान पाक को जला डाला था। पुलिस वाले भी जाकर वहाँ पर जांच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो, मस्जिद के अंदर की वीडियो है। अब वो देखिए, वो यदि ये मस्जिद के अंदर की वीडियो थी। अब बाहर आइए, इस बंदे ने जो कुरान को जलाया है, इसका बयान आप लोगों को सुनाऊंगा। बयान बहुत लंबा था, सुनकर दिमाग पक जाएगा, इसीलिए एक झलक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये बंदा बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर से जो मेरी रूह है, जो आत्मा है, वो जाकर बाहर निकलकर वो जाकर जलाया है। एक झलक देखिए, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों इसकी बातें आपने सुन ली, अब इसका नाम क्या है आप देख सकते हैं, ताज मोहम्मद। वाह, एक मुसलमान है, मुसलमान होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया। ऐसे मुसलमान मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए आप सभी मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोग बदनामी से बचना चाहते हैं, तो आपके समाज में, आपके बीच में अगर कोई ऐसा मुसलमान दिखे, तो कार्रवाई की मांग करिए, अरेस्ट करवाइए ऐसे मुसलमानों को। मेरी इस बातों से अगर आप लोग सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। जो नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए।